साल 2020 और कितने एक्सीडेंट दिखाएगा हम सबको जी। हम हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं इस साल में, इतना मनहूस साल है साल 2020। टीवी एक्टर समीर शर्मा का निधन हो गया है, और आपको बता दें कि उनकी एक तरह से रहस्यमय ही मौत हुई है, क्योंकि वो अपने घर के जो उनका जो फ्लैट है उसमें सीलिंग से उनका शव लटका मिला, और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि दो दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, और उनका जो शव है वो सीलिंग से लटका हुआ था। फ्लैट से काफ़ी स्मेल आ रही थी, तो जो सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस ने जब एंटर किया तो उन्होंने देखा कि समीर शर्मा का जो शव है लटका हुआ था। 44 साल के एक्टर थे, और काफ़ी अच्छे सीरियल्स में काम भी कर चुके थे, और काफ़ी अहम रोल भी होते थे इनके। जी हाँ, मॉडल भी रह चुके हैं एक्टर जो समीर शर्मा। आपको बता दें कि ये भी खबरें आ रही हैं कि जो एक्टर समीर शर्मा हैं ये एक बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन वो उस बीमारी से उबर भी चुके थे, मतलब वो ठीक हो गए थे और वापस उन्होंने सीरियल्स ज्वाइन कर लिए थे। और आपको बता दें कि कई ऐसे टीवी सीरियल्स हैं जिनमें हम सब ने इनको देखा है, और इनके काफ़ी अहम रोल होते हैं। तो किसी तरह का कोई फाइनेंशियल लॉस या कोई डिप्रेशन तो मुझे नहीं लगता कि होगा इनके ऊपर, क्योंकि इतने बड़े सीरियल्स में काम मिलना और काम करते रहना और काफ़ी टाइम से काम करते रहना, उसके बाद फाइनेंशियल लॉस होना, तो ये तो हम मान ही नहीं सकते। हालांकि पुलिस ने इस केस में जो मामला दर्ज करा है वो किया है एक्सीडेंटल डेथ का, इन्होंने पुलिस ने मामला दर्ज किया है, और ये एक तरह से रहस्यमयी मौत ही है। और हमारी तरफ से समीर शर्मा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि।